जय हिंद साथियों, अभी आपने अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, अब तक के मेरे करियर में ये सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा बच्चों के लिए। बच्चे बहुत निराश हैं इससे, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट था या नहीं, 12,000 बच्चों का होना है इसमें। अगर 1,000 पोस्ट हैं तो लगभग उसके 12 गुना 12,000 बच्चों को चांस मिलेगा कि वो वहाँ पे जाके मेंस लिखेंगे सेकंड स्टेज में। बहुत से लोगों का ये भी यहाँ पे आर्गुमेंट है कि सीसेट को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि लोग उसे 2 घंटे में कर ही नहीं सकते। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, सीसेट को इतना डिफिकल्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये पेपर इस बात के लिए है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो अच्छे डिसीजन मेकर्स हों, जो अच्छी पॉलिसी बना सकें, जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकें। और ये सिर्फ एक माध्यम है लोगों की समझ को समझने का। कोई भी एस्पिरेंट है तो वो किस तरह से सोच रखता है, कितनी मेहनत कर सकता है, उन चीजों को समझने का है। ये कोई कैट का, आईबीपीएस का पेपर नहीं है, एसएससी का पेपर नहीं है जो कि सीसेट को इतना कठिन बना दिया जाए। अब जो भी है इसके लिए हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हमें तो हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ये होता है कि अगर आपको पहलवान बनना है तो आपको कसरत करनी ही पड़ेगी, अगर आपको बेस्ट पहलवान बनना है तो आपको बेस्ट पहलवान जो आज की डेट में है उसको हराने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, उस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। जितना पसीना आपका ट्रेनिंग के दौरान बहेगा उतना ही कम खून आपका आपके बैटल के दौरान बहेगा। यहाँ पे सीसेट को हम किस तरह से टैकल करें ये हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी अगली बार के लिए। इस बार तो जो हुआ सो हुआ। अब प्रीलिम्स आप लोग देखिए आ गए, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर भी होगा लेकिन वो इतने हतोत्साहित हैं कि उनके 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब पता नहीं कि 40 क्वेश्चन ठीक होने पे, वैसे तो कट ऑफ लो जाने की काफी संभावना है, सीट्स भी 1,000 के आसपास हैं, पेपर डिफिकल्ट भी रहा, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो लो तो जाने की संभावना है लेकिन अब कितनी लो जाएगी ये कह नहीं सकते। किसी को नहीं पता कि किसके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, किसके 50 से ऊपर सही हुए हैं और किसके 40 सही हुए हैं, और क्या पता 40 वाले का हो भी जाए, क्योंकि ये तो यूपीएससी डिसाइड करेगा कि किस किस को लेना है। जितने बच्चे दिए जाएंगे उसमें लास्ट बच्चे के कितने नंबर आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्या हम प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर कुछ असमंजस में है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो यहाँ पे अपने अनुभव के आधार पे मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई बहनों से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इस फेज को फेस किया है। मेरे फ्रेंड है सुमित, क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट आया, 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे, हम साथ में तैयारी करते थे, सब ये बोल रहे थे कि अब क्या करें, बिल्कुल निराशा हमारे ऊपर हावी हो गई है और बिल्कुल मूड ऑफ है, किस तरह से हम करें। उन 4ों में मैं अकेला ऐसा था कि यार अभी आज हम 1-2 दिन रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो सुमित की कमेंट थी इस बात के ऊपर कि वैभव एक बात बता यार कि तेरे अंदर इतना हौसला कहाँ से आ जाता है, तू इतनी मोटिवेशन कहाँ से ले आता है कि अभी हमारा रिजल्ट आया है, प्रीलिम्स में हम फेल हो गए हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ हमारा और लगातार ये हमारा 2रा या 3रा अटेम्प्ट है। और उससे पहले आप देखिए 2011 में पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं तैयारी के दौरान। तो मेरा तब वो पर्सपेक्टिव था 2012 में और मैं आपको 2023 यानी तब से 11 साल बाद की बात बता रहा हूँ, वो चीज़ आज भी एप्लीकेबल है हर एस्पिरेंट की लाइफ पे, आइडियली जो होना चाहिए। तो यही है कि आप अपने मेंस की तैयारी करिए, आपकी अप्रोच एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी टॉपर का इंटरव्यू भी देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है यूपीएससी की तैयारी में। आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी होती, आपको मेंस की तैयारी करनी होती है और उस मेंस को थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ें कि प्रीलिम्स पे भी ध्यान दिया जाए। और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने डेप्थ में पूछे जाते हैं कि आपको अगर मेंस के लिए आपने ढंग से पढ़ा है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने मेंस के लिए ढंग से पढ़ा है, मुद्दे की समझ है आपको, तो ही सही तरीके से आप उनका आंसर दे पाएंगे। और कॉशियस आपको ये रहना है कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं कि फॉल्स पूछ रहे हैं, अजम्पशन रीजनिंग भी आजकल आने लग गई है। तो बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी चाहती क्या है, तो यूपीएससी तो ये चाहती है कि रटंत जो तंत्र चल रहा है उसके हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन ना हो और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे का सिलेक्शन हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हमारे देश के लिए तैयार हो। ब्यूरोक्रेट्स को जो स्टील फ्रेम कहा जाता है इंडिया की डेमोक्रेसी का, वो जो स्टील फ्रेम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, नेशन बिल्डिंग का, तो स्टील फ्रेम को वाकई में स्ट्रांग होना चाहिए और इसीलिए यूपीएससी इसको दिन ब दिन कठिन बनाती जा रही है। 12,000 बच्चों का होना ही है। अब आपको यहाँ पे एक ही चीज़ रखनी है, अपने आपको इस बार जैसा पेपर आया है, अब मान लीजिए कि अगली बार भी ऐसा ही पेपर आएगा, इससे भी डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसकी एक ही काट है कि आप अपनी तैयारी करें, अपने ऊपर निर्भर रहें, आप किसी मटेरियल पर निर्भर ना रहें, आप मटेरियल को पढ़ें, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, चाहे आप कोचिंग के नोट्स पढ़ें, चाहे आप क्लासेस को लें, लेकिन उसके बाद खुद के आपको एक समझ बनानी होगी, सोचना होगा उस टॉपिक के ऊपर और उस पर अपना पर्सपेक्टिव बना के और अपनी लैंग्वेज में उन आंसर्स को अपने नोट्स की फॉर्म में लिखना होगा। हर टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, जितने भी डायमेंशन होते हैं उसके माइंड में आप सब बना लें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग मतलब नोट मेकिंग आप करें और उन नोट्स को इस हिसाब से बनाएं कि भाई यही इन नोट्स को आप देखेंगे माइंड मैप्स को और उसी से आपके आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको नहीं कह रहा हूँ इस समय सिर्फ इतना ही है कि आप अपना ये समझ लीजिए कि अगले साल आपको प्रीलिम्स देना है और बहुत अच्छे तरीके से देना है, लेकिन उस प्रीलिम्स की तैयारी में वो जो 1 साल का आप करंट अफेयर्स करते हैं ना, तो वो आप 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, लेकिन उसके नोट्स इस तरीके से बनाइए कि उसको मेंस में अगर आपको वो टॉपिक आ जाए आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वो बातें लिखें और एक शॉर्ट हैंड में, कीवर्ड फॉर्म में, फ्लो चार्ट, माइंड मैप फॉर्म में अपने नोट्स तैयार करें।